किचन मास्टर, आज मेरे घर बन रहा है आंवले का मुरब्बा। तो दोस्तों, मुरब्बा बनाने से पहले आंवले को सही से वाश करें, उसके बाद उसे गोद दें। गोदने के बाद आपको पानी में डालकर 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। तो नॉर्मल पानी में नहीं छोड़ना है, आप उसमें फिटकरी डालकर उसके बाद छोड़िए। मैं आपसे दिखाऊंगी 2 घंटे बाद। दोस्तों, आपसे दिखा रही हूँ 2 घंटे बाद। आप देख सकते हैं आंवला का कलर, इसका पानी। अब चलिए फटाफट इसे वाश किया जाए। कम से कम इसे 3 बार वाश करना है आपको। इसके अंदर थोड़ा भी फिटकरी का जो रस है नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से आप मुरब्बा बनाकर पूरे साल खा सकते हैं। आप देखिए, मैं 2.5 kg आंवला का मुरब्बा एक साथ बना रही हूँ। तो दोस्तों, मैं इससे पहले बहुत बार मुरब्बा इस साल बना चुकी हूँ। अभी ये मुरब्बा मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, कहीं भेजना है उसके लिए बना रही हूँ। इसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए। तो दोस्तों, पहला पार्ट वीडियो का उड़ गया है, जो मैं गोद रही थी। तो जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मुरब्बा बनाने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आप 3 बार वाश कीजिए, उसके बाद पानी में से आंवला निकाल कर ऐसे अपने हाथों से दबा दबा कर सूखे बर्तन में रख दीजिए। आपको धूप में नहीं रखना है, आप ऐसे ही नॉर्मल पानी में से निकाल कर इसे दबा दबा कर उसके बाद आप बनाइए मुरब्बा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें से पानी में पूरे सही से निकाल दी हूँ। अकेले में वीडियो बनाती हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है दिखाने में, आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं आई हूँ गैस की तरफ। गैस पे मैं चढ़ाई हूँ बड़ा सा बर्तन। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी, चाय पीने वाला कप से। इससे अधिक पानी आपको नहीं डालना है। आप 2.5 kg आंवला लिए हैं तो 1 कप पानी डालिए, 2 kg चीनी डालिए। दोस्तों, आप इस हिसाब से सामग्री डालेंगे तो आपका मुरब्बा पूरे साल आपके घर में रहेगा, खराब नहीं होगा। अब क्या करना है आपको, इसमें डालना है आंवला। आंवला डालकर अभी आप गैस का फ्लेम हाई ही रखें, क्योंकि इन सबको सही से मिक्स करना है। जब ये हाफ पक जाए तब लो टू मीडियम करके आराम आराम से आंवला को पकाएं। दोस्तों, जब हाफ पक जाता है उसके बाद बार बार इसे चलाएंगे तो टूटने का चांस रहेगा। तो आप आराम आराम से सही से मिक्स करें। अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आंवला कच्चा है। जब आंवला पक जाए तब सावधानी पूर्वक चलाएं। बड़े बर्तन में आप मुरब्बा बनाएंगे तो आपका मुरब्बा सही से पकेगा तो लंबे समय तक रहेगा। एक बात और दोस्तों, आपको ध्यान रखकर मुरब्बा बनाना है। आप मुरब्बे बनाकर अपने घर में स्टोर कर रहे हैं तो गर्मा गर्म मुरब्बा को शीशे के जार में रखकर ढक्कन बंद ना करें, ठंडा हो जाए सही से। उसके बाद आप जिस बर्तन में रखना चाहते हैं उसमें डालें। दोस्तों, आप देख सकते हैं चीनी सही से घुल गया है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। इलायची पाउडर मैं खुशबू के लिए मिलाऊंगी। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर दीजिए। तो दोस्तों, इसका जो छिलका है उसको नहीं डालना है, सिर्फ आपको पाउडर डालना है। तो आप पाउडर डालकर सही से मिक्स कीजिए। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करके अब आपको पकाना है। जब चाशनी पूरा सही से सूख जाए तो आप गैस को ऑफ कर दीजिए। और ठंडा होने के बाद आप आंवले को जहाँ भेजना है वहाँ भेज सकते हैं, खाना है खा सकते हैं। तो दोस्तों, मुरब्बा मेरा तैयार हो गया। मैं ये मुरब्बा बनाई हूँ, बहुत सारे जगह भेजना है इसलिए। तो दोस्तों, मेरा मुरब्बा हुआ तैयार। सुबह सुबह ये चला जाएगा जहाँ जहाँ इसको जाना है। आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा भी चाशनी नहीं है। तो इस तरीके से आप मुरब्बा बनाइए, खाइए। तो मैं आपसे दिखा रही हूँ दोस्तों सुबह के बाद, दोपहर में। सुबह में मेरा मुरब्बा हो गया फिनिश। जो बचा है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा भी चाशनी अब नहीं है। तो आप इस तरीके से बनाइए, इंजॉय कीजिए पूरे साल। अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपसे दिखा रही हूँ आंवला कट करके, बहुत टेस्टी बना है। थैंक यू।